भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे रोमांचक सांस रोक लेने वाले दूसरे T20 मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस मुकाबले के हिला देने वाले हाईलाइट का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक का है, तो दोस्तों इस वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया को दूसरे T20 में जब आखिरी 3 गेंदों पर चाहिए थे 18 रन, बल्लेबाजी पर खुद थे कप्तान सूर्या के साथ ऋषभ पंत, आग उगलने को तैयार थे मुस्तफिजुर रहमान, कांप उठेगा क्रिकेट जगत। तो आखिरकार कौन बना इस मैच में अंतिम गेंद पर चैंपियन? दिलों की धड़कनें कई गुना बढ़ा देने वाले इंडिया बांग्लादेश के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले दूसरे T20 की पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है गिल, सूर्या और पंत में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जब विश्व क्रिकेट की दो सबसे बड़ी टीमें बांग्लादेश और भारत एक दूसरे के आमने सामने हो तब मुकाबले में रोमांच तो पहले ही अपने सारे हदों को पार कर चुका होता है। ऐसे ही हमें एक बार फिर देखने को मिला जहां पहले के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित किया गया। यहां बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहां बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ तंजीद हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई, जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़े साझेदारी देखने के लिए मिले, लेकिन दोस्तों यहां पर तंजीद हसन के रूप में पहला झटका बांग्लादेश की टीम को मोहम्मद सिराज ने दिया, जहां अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खुद कप्तान नजमुल हुसैन संतो, जहां लिटन दास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते। उससे पहले ही लिटन को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बोल्ड कर दिया और यहां लिटन 16 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब ये दो बड़े छटके लग जाने के बाद में बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। अब यहां संतो और शाकिब अल हसन पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का, लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम को किस्मत चमकाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हुआ ये कि संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जैसे जारी रखी, उसी तरह का ढंग शाकिब ने भी दिखाया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में ही 72 रनों की साझेदारी कर डाली। इस दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था, तभी कप्तान सूर्या ने फैसला किया कि वो गेंदबाजी पर अपना सबसे बड़े मैच विनर अर्शदीप सिंह को लेकर आएंगे और 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप ने शाकिब के रूप में तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को दिया, जो कि 32 रन बनाकर आउट हुए और उनके आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मोहम्मदुल्ला, वो कप्तान संतो के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते और अपनी टीम के स्कोर को 160 रन के पार ये दोनों बल्लेबाज लेकर पहुंचे। इस दौरान बांग्लादेश की टीम लगातार आगे बढ़ती जा रही थी और दूसरी तरफ संतो का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, उन्होंने मात्र 40 गेंदों में ही भारत के खिलाफ 68 रन ठोक डाले। अब यहां से मैच पूरी तरह से फंस चुका था, तभी मोहम्मद सिराज ने आकर 17वें ओवर में संतो का विकेट गिराया, जो कि 74 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए और संतो का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम को चैन की सांस आई, लेकिन मोहम्मदुल्ला ने साथी बल्लेबाजों के साथ मिलकर अपनी टीम को 200 के पार पहुंचाया। इस दौरान मोहम्मदुल्ला ने जहां 55 रन बनाए और बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 223 रन बनाने में कामयाब रही और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट मोहम्मद सिराज के नाम रहे, तो वहीं एक एक विकेट रियान पराग और अर्शदीप सिंह ने हासिल किए। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों खराब फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल से आज सभी को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन दोस्तों जब शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की तो आज अभिषेक शर्मा काफ़ी बड़ी गलती कर बैठे। उनके पास मौका था आज बड़ी पारी खेलकर फॉर्म में वापसी करने का, उन्होंने खतरनाक चौका लगाकर शुरुआत भी की, लेकिन वो गेंदबाजी के बिछाए जाल में फंस गए और बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में फील्डर को अपना आसान सा कैच दे बैठे। वो इस मैच में केवल 4 गेंद पर 11 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों अभिषेक का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफ़ी ज़्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब अभिषेक जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्य, जहाँ सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। शाकिब अल हसन के ओवर में सूर्य ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ से गिल का बल्ला दहाड़ रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के स्कोर के ऊपर खड़ी थी। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके और छक्कों की ही बात कर रहे थे। इसी बीच कप्तान सूर्य ने अपनी तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंदों में ठोक दिया, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन दोस्तों शुभमन गिल भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए और 49 रन बनाकर वो आउट हो गए। अब पूरी जिम्मेदारी भारत के दो सबसे खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जीतने की, क्योंकि इनके अलावा और कोई बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने
का दम नहीं रखता था। अब दोस्तों यहां ऋषभ पंत ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से बांग्लादेशी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करना शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां सबसे खास बात तो ये थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक कि ऋषभ पंत भी दूसरी तरफ से खड़े खड़े केवल उनकी बैटिंग का आनंद ले रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अपना अर्धशतक चढ़ने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा तो भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रनों की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर ऋषभ पंत थे, बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिजुर रहमान। अब यहां पहली गेंद मुस्तफिजुर रहमान ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि पंत ने पूरी तरह से उनसे मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर पांड्या ने 2 रन भागे और फिर 4 गेंदों में 19 रनों की दरकार थी। पंत अभी भी स्ट्राइक रेट पर मौजूद थे और दोस्तों पंत शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले पर से गेंद टच नहीं हो रही थी, जिसके चलते यहां बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में थी कि वो इस मुकाबले को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ऐसे करके तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ खेलकर ऋषभ पंत ने 1 रन भाग लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए हमारे सबसे बेस्ट अभी तक के फिनिशर खुद सूर्य कुमार यादव। सूर्य को 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के लगाने थे और तभी भारतीय टीम मुकाबला जीत पाती, क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन भारत को चाहिए थे। अब चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। पांचवी गेंद पर डीप कवर्स के ऊपर से एक और आसमानी छक्का जड़कर सूर्य ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया और अब 1 गेंद शेष मात्र बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। सूर्य बखूबी जानते थे कि मुस्तफिज रहमान वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे और इसलिए सूर्य ने पहले से ही अपना आंखें जमा रखी थी और अपना बल्ले को और अपने बल्ले को परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए उन्होंने डीप में विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच विनिंग 6 ठोक दिया, जिसके चलते भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने इस दौरान अपना शतक तो पूरा किया ही, साथ ही 110 रन की उन्होंने शानदार पारी खेली और अपने शतक के साथ उन्होंने भारतीय टीम को मैच भी जिताया। बाकी इस मुकाबले में ऋषभ पंत के बल्ले से 35 रन निकले। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया ये दूसरा T20 से ठीक पहले अभ्यास सत्र का मुकाबला था, जिसमें भारतीय टीम को जीत हुई। बाकी आप अब सभी की राय क्या है, भारतीय टीम की ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देखने के बाद आप टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया जीतेगी या नहीं। अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इसको खदेड़ने के लिए दिल्ली के मैदान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रख दिए अपने कदम। हार्दिक पांड्या जसप्रीत बुमराह की करवा दी वापसी, तो आखिर तीसरे T20 में किन 11 भूखे शेरों के साथ उतर चुके हैं भारतीय कप्तान सूर्य। क्या है बांग्लादेश की प्लेइंग 11 टीम, कहां देख सकते हो ये महामुकाबला, आप वो भी लाइव, साथ ही साथ पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और इस मुकाबले से जुड़ी हर एक लाइव अपडेट, सब कुछ हम आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और बांग्लादेश में से कौन सी टीम तीसरा T20 मैच जीतेगी, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश दो चिर प्रतिद्वंदी टीमें, और जब भी दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो मुकाबले अपने आप बेहद ही रोमांचक बन जाते हैं। बांग्लादेश मजबूत टीम है, लेकिन पहले T20 मुकाबले में तो उनकी टीम इंडिया के सामने एक न चली, जहां सूर्य के पलटन ने किसी मच्छर की तरह बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को मसल कर रख दिया और 1-0 से T20 सीरीज में बढ़त भी बना ली। लेकिन दोस्तों दूसरे T20 मैच में बांग्लादेश अंतिम गेंद तक खेले गए रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को धूल चटाने में कामयाब हो गई, जिसके बाद यह सीरीज 1-1 से बराबरी बरा खड़ी हुई और अब यह कारवां इतने में ही रुकने वाला नहीं है। अब भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरे T20 का बिगुल बज चुका है। यहां बांग्लादेश की टीम के कप्तान नजमुल हुसैन शान तो कभी नहीं चाहेंगे कि बांग्लादेश की टीम को वो हरवाएं, और इसीलिए उन्होंने सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम को हराने के लिए पूरा प्रबंध भी कर लिया है। वहीं हम आपको बता दें बांग्लादेश और भारत के बीच ये मुकाबला अब सभी को लाइव दिल्ली के मैदान पर खेला जाता नजर आ रहा है, जहां आप सभी इस मुकाबले में एक तरफ सूर्य कुमार यादव को कप्तानी करते हुए देख रहे हो तो दूसरी तरफ नजमुल हुसैन शान तो अपनी टीम को संभाल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए मैच के बारे में तो दोस्तों आपको बताते चलें कि भारत और बांग्लादेश के बीच ये रोमांचक मुकाबला आप लाइव अगर टेलीविजन स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आप सभी इस मुकाबले का आनंद उठा सकते हैं। और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो जियो सिनेमा के ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां आप बिल्कुल मुफ्त में इस मैच का आनंद उठा सकते हैं। इस रोमांचक मुकाबले में सूर्य कुमार यादव बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि टॉस जीतकर भी वो मुकाबला हारे, इसीलिए वो पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला ही चुने हैं। और दोस्तों आपको हम बता दें कि एक तरफ सूर्य कुमार यादव पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल के साथ करेंगे, जहां उन्होंने टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बदल दिया है और तीसरे चौथे नंबर के खिलाड़ियों को भी बदलकर हर किसी को हैरान कर दिया है। जी हां दोस्तों, आइए आपको पूरी प्लेइंग 11
11 टीम बताते हुए चलते हैं जो भारत की खेलती हुई नजर आएगी। दरअसल दोस्तों, यहां बांग्लादेश की तरफ से जिन खिलाड़ियों को शामिल किया गया उसमें लिटन दास और तंजीद हसन दो बेहद खतरनाक ओपनर उनकी तरफ से मैदान में उतरेंगे, तो मध्य क्रम में कप्तान नजमुल हुसैन शांतो, शाकिब अल हसन, सौम्य सरकार और तौहीद हृदय के कंधों पर भारतीय गेंदबाजों का सामना करने की बड़ी जिम्मेदारी है। ऑलराउंड